Hi guys, wish you a very very good evening. This is me, JOSHI, and you are watching me on the channel of IAS. So IAS, it means authentic, accountable or professional. You can say anything to us because we are working towards UPSC and हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम UPSC को इस तरीके से कवर करें, इस तरीके से उसके सिलेबस को कवर करें कि हम लोग आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए एक बहुत अच्छा ब्रिज के रूप में काम कर सकें. ओके, एंड हमने अब तक जितने भी कोर्सेज कवर किए हैं, जितने भी मोटिवेशन क्लासेस कवर किए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके UPSC में काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमें फीडबैक भी मिल रहा है. उसी के चलते जो है एक नई सीरीज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ. ये सीरीज है आर्ट एंड कल्चर की. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, आज के इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे कि आर्ट एंड कल्चर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कितने दिनों में जो है हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और कैसे हम इसको कवर करेंगे. ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके अलावा 20th ऑफ दिस मंथ से हम लोग जो है इसका पूरा कोर्स सीरीज स्टार्ट कर देंगे. कोर्स जो है स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट क्लास जो है वो आपकी 20th को होगी. सो ये जो वीडियो है ये टोटली बेस्ड है आपके लिए एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो के रूप में, या फिर एक ब्रीफ वीडियो जो आपको ये बताएगा कि कैसे UPSC में क्वेश्चंस बनते हैं आर्ट एंड कल्चर के, कैसे वो क्वेश्चंस अपीयर किए जाते हैं, कैसे आप उनको जो है अटेम्प्ट करेंगे, कैसे उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन की जानी चाहिए और कितने टाइम में हम इस कोर्स को कवर कर लेंगे. और हमारा ये जो कोर्स है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मी दिस आयुषी जोशी और आप आइए इसके साथ में, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो कोर्स है ये आपका कितना वेटेज कवर करता है और कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं ऐसे कैरी करता है जो आपके प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस कोर्स को लेंगे जिसमें हम प्रीलिम्स, मेन, सारा सब कुछ एक साथ में एक ही वीडियो के अंदर यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में कवर होंगी. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और जो काफ़ी चेंजेस जो है, इंपॉर्टेंट चेंजेस जो 2011 के बाद हमें देखने को मिले, तब से आर्ट एंड कल्चर UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना. और हर साल करीब करीब मान के चलिए 5 से 8 क्वेश्चन जो है प्रीलिम सेक्शन में पूछे जाते हैं. इस सेक्शन से प्रीलिम्स में 5 से 8 क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं, है ना. उसके अलावा मेंस के GS पेपर 1 के अंदर भी 10-25 मार्क्स का क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के सेशन से आता है. इस सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन से 10 से 25 मार्क्स तक का, मतलब कि आप मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो कवर करता है ये आपका. तो अगर आप इस कोर्स के अंदर जो है ये सारा जो हम सिलेबस जो है वो इस पूरे कोर्स में कैरी करना करने वाले हैं, इस पूरे कोर्स के लिए जो है एक हमने एक बहुत अच्छा सा क्यूरिकुलम बनाया है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज़ें कवर करेंगे, कितना वेटेज रहेगा. प्रीलिम्स में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, जैसे करंट अफेयर्स और स्टैटिक को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबरीमाला टेम्पल जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, ऐसे कई सारे, देखिए जो हम कह सकते हैं अयोध्या मंदिर ले लीजिए, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपके प्रीलिम्स एज वेल एज सॉरी करंट एज वेल एज स्टैटिक पोर्शन को जो कवर करती है आर्ट एंड कल्चर के. तो ये जो सीरीज़ है हमारा, ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स, इस पूरे कोर्स में हम इस तरीके से आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे कि एक IAS ऑफिसर बनने के लिए प्रीलिम्स और एज वेल एज मेंस के लिए जो आपका जितना भी कोर्स है या जिस तरीके के भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं आर्ट एंड कल्चर की वजह से, या जो भी आप क्वेश्चंस देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में जो आपको कई बार कन्फ्यूज कर देते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है काफ़ी कन्फ्यूज नज़र आते हैं आर्ट एंड कल्चर में, है ना. तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस कोर्स के अंदर हम इस तरीके से पूरे कोर्स को कवर करें कि आपका आर्ट एंड कल्चर का कोई भी कोना छूटे ना. ठीक है, इसके अंदर हम लोग इंडियन हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें सब कुछ है ना एक इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कैरी करने वाले. ठीक है, अब सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, आप पूछेंगे आर्ट एंड कल्चर का भाई सिलेबस क्या है, हमें ये भी नहीं पता. तो देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है. अनडाउटेडली इंडिया जो है एक बहुत ही सेक्युलर और आई कैन से बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है ना. तो डाइवर्सिफाइड कंट्री के नाते, सेक्युलरिज्म के नाते और जो काफ़ी विविधता में एकता जो यहाँ देखने को मिलती है इंडिया में, तो इस तरीके से अगर हम बात करें काफ़ी सारे रिलीजन्स,
काफ़ी सारे जो है हम कह सकते हैं जो कल्चर है, टेक्सचर है आर्ट एंड जो कल्चर का, ट्रेडिशन का, काफ़ी सारे हर स्टेट में कई सारे जो है कल्चर्स देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज सोवरेनिटी देखने को मिलती है, और उसके अलावा हमें यहाँ पे डांस, जो फोक डांस ले लीजिए आप, रीजनल डांस ले लीजिए, या आप कल्चरल डांस ले लीजिए, चाहे आप म्यूज़िक ले लीजिए, चाहे आप कोई भी पोर्शन लेंगे आर्ट एंड कल्चर का जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इंडिया के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्ट एंड कल्चर को कवर करती है। इवन आई कैन से ट्रेडिशन और कल्चर के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो इंडिया पूरी तरीके से डिपेंड है आर्ट एंड कल्चर पर, आज भी हम लोग आर्ट एंड कल्चर पर डिपेंड है पूरी तरीके से, है ना। तो प्रीलिम्स में तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पेपर वन के अंदर, उसके अलावा जीएस पेपर वन मेंस के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर कैरी करता है ना। तो अगर हम इस कोर्स की बात करें तो हम इस कोर्स को इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि आपका प्रीलिम्स का सेक्शन भी क्लियर हो जाए, उसी के साथ में मेंस का सेक्शन भी क्लियर हो जाए, है ना। इस कोर्स के अंदर इस तरीके से हम पूरा कोर्स कवर कर लेंगे कि आपको मेंस में अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक्स इसके अंदर हम कवर करेंगे वो इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर होगा, इंडियन पेंटिंग्स होंगी, इंडियन डांस फॉर्म्स होंगे, थिएटर होगा, इसके अलावा जो इंडियन म्यूज़िक है, पपेट शो जो होते हैं, पपेट्री जो होती है वो होगा, इसके अलावा इंडियन लिटरेचर होगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे करंट अफेयर्स से को रिलेट करते हुए करंट अफेयर्स के सेक्शन को भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर या सेक्शन के अंदर या इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो है कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के इम्पोर्टेंस की, तो एज अ सिविल सर्वेंट यू शुड नो कि आपकी जिस कंट्री में आप सर्विसेज देने जा रहे हैं या कि जिस कंट्री के लिए आप कुछ करने जा रहे हैं, उस जिस कंट्री में एक बहुत रेप्यूटेड IAS ऑफिसर की पोस्ट कैरी करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर क्या ट्रेडिशन है या कल्चर है, क्या इंडिया का जो है हम कह सकते हैं आर्ट है, क्या कल्चर चल रहा है हमारे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से 8 क्वेश्चन रेगुलरली प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इसके अलावा जो 10 से 25 मार्क्स के बीच में जो है आपको हमेशा मेंस के जीएस पेपर वन में भी पूछा जाएगा। तो ये मान के चलिए कि ये जो बहुत बड़ा जो पोर्शन है, ये जो 7 से 8 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ये करीब करीब 10 से 12-14 मार्क्स जो कैरी कर रहा है ना, तो ये मार्क्स हम छोड़ नहीं सकते, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हम इन 10-12-15 मार्क्स को छोड़ के नहीं जा सकते, हम ये नहीं सोच सकते कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को छोड़ देंगे तो और आगे बढ़े चलेंगे दूसरे सब्जेक्ट। देखिए दूसरे सब्जेक्ट में आप स्कोर करें ना करें, आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छा स्कोप होता है स्कोर करने का, सो आप इस सेक्शन को छोड़ नहीं सकते। मेंस में करीब 25 मार्क्स के करीब करीब आपके जो है क्वेश्चन पहुंच जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आप एज अ सिविल सर्वेंट आपको बहुत अच्छे से है मैं जानती हूँ। तो ये सारा इंपॉर्टेंट एरिया कवर करने के लिए क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, देखिए हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें डेफिनेटली हम प्रीलिम्स सेंट्रिक या मेन सेंट्रिक जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सब कवर कर लेंगे, लेकिन जनरली देखिए क्वेरी आती है बच्चों की कि आप जो बता रहे हैं वो तो हम कैरी कर रहे हैं, वो सब कवर कर रहे हैं हम लोग, है ना, पर इसके अलावा जो है क्या बुक्स पढ़े हैं, क्या रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ 11th और 12th की जो है ना इंडियन आर्ट एंड कल्चर या लिविंग क्राफ्ट ऑफ ट्रेडिशन जो है 11th क्लास की बुक है NCERT, इसके अलावा क्राफ्ट ट्रेडिशन जो है वो आपके 12th NCERT की बुक है ना। उसके अलावा जो ओल्ड NCERT आती है एंशियंट और मिडाइवल इंडिया की, वो भी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए उसके अंदर कल्चर रिलेटेड टॉपिक होता है। आपका जो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है वो बेसिकली जो है वो हमारी हिस्ट्री को कैरी करता है, हमारी हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, उसके अलावा 4th सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर, तो समवेयर समहाउ आर्ट एंड कल्चर इज कनेक्टेड विथ हिस्ट्री, है ना। तो आप अगर मिडाइवल आप देखेंगे कि अकबर के टाइम में क्या जो है राग पर या जो हम कह सकते हैं बिल्डिंग कल्चर जो है आर्किटेक्चरल कल्चर पे भी जोर दिया गया। इसके अलावा जितने भी हम अगर पुराने जो है जो किंगडम्स उठाएं अगर हम लोग, तो उन सारे टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर पे जोर दिया गया है ना। और आज भी हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये अच्छे से पता है कि आप भले ही बहुत पुराने टाइम से अब तक ले लीजिए, कहीं ना कहीं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं आपस में। तो इसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर जो है वो आपके बहुत बड़ा पोर्शन कैरी करता है हिस्ट्री का। सो समवेयर एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके अंदर जो कल्चर रिलेटेड टॉपिक्स है वो भी आप कैरी कर सकते हैं।
ठीक है. इसके अलावा रेफरेंस जो मटेरियल है तो वो देखिए आप NIOS के जो नोट्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. NIOS जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है, ओपन एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए जो मटेरियल होता है NIOS का स्टडी मटेरियल, वो आप बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं. बहुत अच्छे पोर्शन को कवर करता है आर्ट एंड कल्चर के, तो उससे आप ज़रूर पढ़िए. 11th की NCERT में आपको रिकमेंड करूँगी. उसके अलावा CCRT वेबसाइट जो है, CCRT इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसे भी विजिट कीजिए. वहाँ से जो आपको मटेरियल मिलेगा उसे ज़रूर पढ़िए. उसके बाद में आप जाइए नितिन सिंघानिया, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है आर्ट एंड कल्चर के लिए, है ना. एक ग्रंथ है, जैसे हम कहते हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए होता है, वैसे ही आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया जो है एक ग्रंथ के रूप में सामने आता है. उसी के अलावा फ्राइडे को जो द हिंदू आता है, फ्राइडे का जो पेपर आता है, उसके अंदर आप देखिए आर्ट एंड कल्चर का पूरा एक सेक्शन दिया होता है, उसे भी ज़रूर आप पढ़िए. क्योंकि उसके अंदर जो है आर्ट एंड कल्चर का हर देश की कोई ना कोई, चाहे आप फूड कल्चर ले लीजिए, चाहे आप वहाँ का डांस कल्चर ले लीजिए, चाहे आप सिंगिंग म्यूजिक कल्चर ले लीजिए, ये सारी चीज़ों का कोई ना कोई पोर्शन हर फ्राइडे को आपका द हिंदू न्यूज़पेपर भी कवर करता है, ठीक है. सो समवेयर 20-25 डेज के अंदर, या इतनी क्लासेस हम कह सकते हैं, इतनी 20-25 क्लासेस के अंदर जो है हम पूरा आर्ट एंड कल्चर का कोर्स जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है. इसके अलावा कोई इशू आता है आप डेफिनेटली बताइए, आपके लिए बिल्कुल ओपन रहेगी हमारी क्वेरी सेक्शन. आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज डाल सकते हैं. कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई भी रिगार्डिंग आपके डिमांड्स हैं, तो आप वो सब इररिलेवेंट नहीं होनी चाहिए. बाकी रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होगी, ओके. सो ये कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. 20th से आपको रेगुलर कोर्स अवेलेबल होगा, इसकी क्लासेस अवेलेबल होगी, और मान के चलिए कि 20-25 डेज में हम पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर कर लेंगे, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. लेकिन उस हमारा जो मेन फोकस होगा वो प्रीलिम्स पर होगा. मैं आपको बता देती हूँ, हम प्रीलिम्स सेंट्रिक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं. और अगर प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता है, और या आपको हमें अब ऐसा टाइम मिलेगा या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें मेंस से पहले भी जो है डिमांड्स आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेंस के अकॉर्डिंग भी आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन स्टार्ट कर देंगे. बट प्रीलिम्स सेंट्रिक कोर्स तो हम रिसेंटली स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है. और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेजर पोर्शन जो है मेंस का भी इसमें कवर कर लूँ, ठीक है. आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस हमने देखी है आज. इसके अलावा कितने दिन में कोर्स कंप्लीट होगा, कितनी क्लासेस के अंदर, वो भी हमने देखा. इसके अलावा कितने मार्क्स कैरी करता है, ये और भी सारे इश्यूज हमने जो है इस पूरे वीडियो में देख लिए हैं. कोर्स का डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से मिल गया है, समझ में आ गया है. जो भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए इजी हो गया है. मैंने आपको एक जो है मैप शो कर दिया है, अब उस मैप के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, ठीक है. 20 से आप मेरे साथ में रहिए, स्टे ट्यून्ड, बी कंटिन्यू विथ मी, बी वॉचिंग, कीप वॉचिंग me on this channel, that is aap IAS, and we are working authentically, accountably and professionally so that it will help you in your preparation. So keep watching. Bye bye, take care, have a great day ahead.